आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं गंगा सागर तीर्थ पर समुद्र दर्शन और जहां पर माँ गंगा समुद्र में विलीन होती है उस पवित्र जगह पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर स्थित कपिल मुनि का ये मंदिर सदियों से आध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है और इसीलिए कहते हैं कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस प्रकार से इस तीर्थ का महिमा मंडन हमारे पूर्वजों ने किया है। हमारे पुराणों के अनुसार महाराज भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों के मोक्ष के लिए माँ गंगा को हिमालय की गोद से लेकर गंगा सागर तक आए थे और आज पुण्य सलीला माँ गंगा हजारों लाखों साल के बाद भी पूरे भारतवर्ष के हम सभी लोगों को लिए जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा सागर तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। माँ गंगा को शुद्ध करने का, प्रदूषण मुक्त करने का और उसे सभी बच्चों को स्नेह और वात्सल्य के साथ माँ गंगा नहला सके, इस प्रकार के निर्मल जल के आस्वाद ले सके, ऐसी गंगा की निर्मिति करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। अयोध्या के साथ भैया मुझे तो बोलने दो। और आज जब एक तीर्थ स्थान पर आया हूँ, यहाँ की स्थिति देखकर मुझे भी बड़ा दुख होता है, जैसे लाखों श्रद्धालुओं को दुख होता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी भी टूरिज्म की योजनाएं हैं उसको सफलता से हम लागू करेंगे और उत्तरायण का मेला जो यहाँ लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में स्थान देकर, इसको बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाकर इस जगह के महात्मा इनको दुनिया भर में हम प्रसिद्ध करें। मैं फिर से एक बार इस स्थान पर आकर अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूं और ये पवित्र तीर्थ स्थान करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है। उसका पुनर्निर्माण, पुनरोद्धार बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कर मेरी बात समाप्त। केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कपिल मुनि आश्रमे गेलेन और सेखाने पुजो करलेन। पुजोर पर बाइरे बेरिये एसे सांबादिकदेर मुखोमुखी हलेन और स्पष्टई जानालेन जे 2021-এর विधानसभा निर्वाचने तारा एराज्ये सरकार गठन करबेन, ए विषये अत्यंत आशाबादी।